क्वेश्चन नंबर हम 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री। देखिए ये जो एंगल गिवन है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये 5 दिया हुआ है और एंगल जो परपेंडिकुलर बना रहा है ना, इसका मतलब इस लाइन से इट इज फॉर्मिंग द एंगल 90 डिग्री, ठीक है, और दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो फॉर्म द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, हमें जो दिया हुआ है इस गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो एंगल जो है आपका ये 30 डिग्री है, इससे हमें ये एंगल पता चल जाएगा, इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये देखो 90 डिग्री का है क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। हम स्लोप जो फाइंड आउट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू होता है एंगल इज इक्वल टू टैन थीटा, तो टैन थीटा मीन टैन 120 डिग्री, ठीक है। तो टैन 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टैन 90 प्लस 30, 1090 प्लस 30 क्या होगा, -cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 कितना होता है, ये होता है आपका √3। तो इस तरीके से हमें जो है इस लाइन का स्लोप पता चलेगा। जब हमें स्लोप पता चल जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो है इक्वेशन के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला क्या है, 1.41 माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। हमें स्लोप तो पता चल गया, लेकिन हमें अब पॉइंट और चाहिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से जो पास हो रहा है वो परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट हमारा ये लिखे, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसी पर कोई ना कोई पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। अब आपको ये पता है एंगल 30 डिग्री का है, ये 5 है, यहाँ पर अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो मान लीजिए ए है, ये बी पॉइंट है, अगर हम बी पॉइंट यानी कि हम वो भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना, तो आपको पता है कि cos 30 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ओ बी तो आपका हाइपोटेन्यूज है, और बेस क्या हो जाएगा आपका, ओ ए हो गया, ओ ए अपॉन ओ बी। कॉस 30 इज इक्वल टू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू ओ ए 5 है और ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 5 10 10/√3। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है ना, एक तो हमें स्लोप निकालने में और हमें ओ बी की डिस्टेंस निकालने। अब हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, ये जो बी पॉइंट होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया वो कितना है, tan√3 है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, tan√3, 0, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं वाई माइनस, तो वाई वन की जगह क्या हो गया, 0 हो गया, स्लोप हमने फाइंड आउट किया था कितना, -√3, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है, ये आपका tan√3, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो माइनस का ये 3 हो गया, ये एक्स माइनस टेन हो गया, ठीक है, √3 एक्स है तो सॉरी 3 यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो आप, ये -√3 लिखा रहे मैंने, इसको यहाँ पर आपसे कितना हो जाएगा, √3 हमने एलसीएम लिया, ये √3 है माइनस के 10, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो यहाँ पर आप √3 से ये √3 कैंसिल कर सकते हैं,
तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस से रूट थ्री है, ठीक है, ये क्योंकि हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस का टेन, ठीक है, क्या इक्वेशन हो गई, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जो गिविन था, गिविन क्या था बेटा, ये गिविन था कि जो लाइन परपेंडिकुलर है वो एंगल 30 डिग्री का बना रही है ना, जो हम से इक्वेशन लेते हैं, जो स्लोप फाइंड आउट करते हैं उसमें कौन सा लेते हैं, हम एंगल उस लाइन का लेते हैं, क्योंकि वो लाइन का एंगल निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है ना, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री हो गया, तो इससे हमें स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने के बाद ठीक है, फिर हमें पॉइंट भी चाहिए था, तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर हमने ये इक्वेशन का जो वही फार्मूला जो हमने 1 to 7 तक क्वेश्चन किए थे, सेम वेक्टर की वैसे ही थे, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसकी वर्टिसेस गिवन है, ये कोऑर्डिनेट कितना है 2, 1, क्यू है आपका -2, 3, आर पॉइंट है 4, 5, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियम थ्रू द वर्टेक्स आर, हमें मीडियम की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, मीडियम की इक्वेशन निकालेंगे थ्रू वर्टेक्स आर। मीडियम क्या होती है, मीडियम वो होती है मिड पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं, पास होती है ना, जो वर्टेक्स आर से भी पास हो, और तो आर से भी पास हो तो मीडियम कौन सी होगी, वो क्यूपी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि इसका नाम अगर हम एम रख दें, यानी कि हमें एम आर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एम आर। तो इक्वेशन ऑफ एम आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, तो एम के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2/2, यानी कि 2 - 2/2 हो गया, फिर y1 + y2/2, यानी कि 1 + 3/2, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0, 2 हो गए। तो हमने क्या निकाला, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम निकाली है ना, अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एम आर निकालनी है। तो जब हमें इक्वेशन ऑफ एम आर आर निकालनी है, तो अब हम निकाल सकते हैं, दो पॉइंट हमें पता चल गया है, ठीक है, तो 2.4 क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 x - अगर हमें क्या होता है, तब वी नीड 2 पॉइंट, ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें पता चल गए हैं, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट से 2.4 से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए यस्टरडे वी हैव आल्सो सॉल्व, ठीक है, किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 ले सकते हो, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं, अगर हमें कौन सा x1 y1 लेना, कल मैंने दोनों तरीके से आपको करके बताया था, ठीक है, किसी को भी आप x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 जो पॉइंट लेंगे आप किसी को भी ले लो, चलो इसको हम x1 लेते हैं, तो ये आपका 2 हो गया, फिर y2 कितना होगा, 5 - 2, ठीक है, x2 हम क्या ले रहे हैं, 4 - 0,
और x माइनस के जीरो, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी y माइनस टू इक्वल टू फाइव माइनस टू थ्री अपॉन फोर x, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो फोर वाई माइनस के इक्वल टू थ्री है, तो फोर वाई माइनस के थ्री एक्स इक्वल टू एट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई वाले टर्म को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का फोर वाई हो गया, ये प्लस का थ्री एक्स हो गया, ये माइनस का एट होगा, तो मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया। तो इस तरीके से हमने टू पॉइंट फॉर्म का यूज करके इस लाइन की इक्वेशन हमने एम आर फाइंड आउट कर, ठीक है, ये हमने इक्वेशन को इसको सॉल्व किया, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस थ्री फाइव, कोई लाइन जो है इट पासिंग थ्रू माइनस थ्री कोमा फाइव एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, कोई लाइन है जो इससे पास हो रही है और इट परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज सपोज टू कोमा फाइव एंड माइनस थ्री कोमा सिक्स, these are two points, we have to find out the equation of PN, coordinate of P minus 3 5, so question mein kya keh rahe hain wo ki aapko jo hai equation to find out karni hai PN ki, lekin jo PM line hai which is passing through minus 3 5 uska jo point hai wo P lie karta hai uske coordinate minus 3 comma 5 hai, लेकिन इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, अगर ये ए बी पे परपेंडिकुलर है तो हमने परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है उसका हम यूज कर सकते हैं, जो हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी से हम पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा आपका सिक्स वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये हो गया आपका वन अपॉन माइनस के फाइव, ये किसका स्लोप है, ए बी का। तो हमारे पास इसका स्लोप अगर ए बी को मैं एम वन लिखता हूँ, इस एम टू की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एम वन और एम टू इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस वन। एम वन की वैल्यू अगर माइनस वन अपॉन फाइव है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम टू, एम टू की वैल्यू कितनी हो गई, एम टू इक्वल टू कितना हो गया, फाइव हो गया। एम टू की वैल्यू अगर आपकी फाइव है, ठीक है, तो अब हमें स्लोप पता चल गया, अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं पी एम की। तो इक्वेशन ऑफ पी एम निकालना है अगर हमें, इक्वेशन ऑफ पी एम, इक्वेशन ऑफ पी एम क्या हो जाएगी, वाई माइनस के वाई वन, वाई वन आप ये वाला पॉइंट लेंगे, स्लोप स्लोप कितना है, स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया फाइव, एक्स माइनस एक्स वन,
ये थ्री हो, ये हो जाएगा आपका वाई माइनस फाइव, फाइव एक्स प्लस 15। ठीक है, इसको हम y को उधर ले जाना चाहे y को उधर ले जा सकते हैं, थर्ड टर्म को उधर ले जाओ चाहे, फाइव एक्स माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हो गई आपकी टी एन की। तो हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक है, हमें जो गिविन थे दो पॉइंट ए भी दिए थे, ठीक है, जिनसे जो कि परपेंडिकुलर थी लाइन टी एम, निकाल सकते थे, इसको हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। और जो कंडीशन है वो हमने यूज कर स्लोप पता कर लिया, जो वन स्क्वायर वन है ओनली वन वन बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1023 डिवाइड्स इन द रेशियो 1:1। तो बेटा कोई लाइन है ना, ये लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 0 और 2 3। डिवाइड इन द रेशियो 1:1 है, कोई लाइन है जो 1:n में हम इसको डिवाइड कर ले, ठीक है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। जो लाइन है दो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 0 2 3 डिवाइड इन द रेशियो 1:1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एन। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन एन, इसी इक्वेशन की हमें फाइंड आउट करनी है, इसी वाली से ये जो एल जो इक्वेशन है ना, ये मान लीजिए ए भी है, ए भी तो हमने ऊपर ले लिया, इसका नाम कुछ और बताया जाता है, ठीक है, ये मान लो पी एम की मेरी बन जाती है, तो पी एम जो है इसको 1:n में डिवाइड कर रही है ना, उसमें रेशो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जो ये टेंथ में आपने किया था याद है फॉर्मूला, जो रेशो में डिवाइड करते थे 1:n में, ठीक है, उस टेंथ का फॉर्मूला आपको यूज करना है, याद है नहीं, एक्स इक्वल टू क्या होता था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। वाई कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे इसी तरीके से, वाई कोऑर्डिनेट निकालते थे वाई एम वाई टू और एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ठीक है, ये टेंथ का फॉर्मूला है आपका, अगर हम कोई लाइन एम रेशियो एम में डिवाइड करते हैं, मतलब इधर वाले कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई हम इधर वाले से करते हैं, इधर वाले की रेशियो की मल्टीप्लाई इधर वाले से,
ठीक है, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, इक्वेशन हमें निकालनी है लाइन पी एम की, और ये जो पी एम लाइन है ए बी लाइन को 1:m में डिवाइड करती है। जब 1:m में डिवाइड करती है उसी के हिसाब से हम इसको कर रहे हैं कैलकुलेट। तो हम मल्टीप्लाई करके पहले तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ एम, पॉइंट एम, तो एम इक्वल टू हो जाएगा 1:2 प्लस एम इंटू 1 1 प्लस एम, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 प्लस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे और n की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, ये हो गया आपका 1 प्लस m, यानी कि 3 अपॉन 1 प्लस m। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, तो जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो आप ये देखो इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम ए बी का, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी थ्री माइनस जीरो 2-1 यानी कि कितना हो गया 3 हो गया। तो स्लोप ऑफ पी एम कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी एम इट इज इक्वल टू एम वन एम टू इज इक्वल टू, हम -1 होता है इसलिए क्या हो जाएगा, एम वन एम टू इक्वल टू -1 अगर हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू -1/3 होगी। अब हमें स्लोप भी पता चल गया है और पॉइंट भी पता चल गया, अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए वही 1 पॉइंट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, वाई माइनस टू वाई वन, वाई वन कितना है 3/1 प्लस के एम, और स्लोप कितना है, स्लोप हमने ये निकाला है -1/3 -1/3 आ गया। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है 2 प्लस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम। ठीक है, यहाँ हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, या 1 प्लस एम को ऐसे रहने देते हैं, 1 प्लस एम इंटू वाई -3 1 प्लस एम। ठीक है, इसी तरीके से -1/3 है, यहाँ पर रहने दिया हमने x 1 प्लस एम -2 -n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 n प्लस 1 वाई -9 हो गया, इसकी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा n प्लस 1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 की मल्टीप्लाई -n से करेंगे प्लस n आ जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का n -1=0। तो -9 और -1 को ऐड करके -10 कर सकते हैं और राइट साइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जाओ वैसे लिख सकते हो। ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, इसमें हमने क्या किया है एक बार और देखना चाहो, देख लो इसको, पहले हमने क्या काम किया है, फिर इसमें यह था कि नंबर जो है एन में, एन की टर्म में आंसर आएगा, क्योंकि रेशियो जो है वो एन की टर्म में दिया हुआ है ना, 2:3 होता तो ये नंबर में आ जाता था, 1:n की फॉर्म में, तो 1:n की फॉर्म में हमने इसको निकाल लिया,
एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाला, वाई कोऑर्डिनेट भी निकाला, उसके बाद स्लोप निकाला हमने एक लाइन का ए बी का, जिससे हमने जो है स्लोप पी एम पता चल गया। वो कंडीशन हमने यूज की एम वन एम टू इजिकल टू माइनस वन, तो स्लोप ऑफ पी एम इजिकल टू माइनस वन अपॉन थ्री हो गया। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका, वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता था पहले से, ये वाला जो निकाला हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, स्लोप कितना है माइनस वन अपॉन थ्री, इसका यूज करके हमने इक्वेशन को निकाला। ठीक है, नोट कर लेते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई लाइन है, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, यानी कि ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। ठीक है, और वो लाइन जो है 2-3 पॉइंट से पास हो रही है, सपोज करो 2-3 पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ये यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2-3, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये दिया हुआ है, इसको कैसे किया जाए। देखो, इक्वेशन फॉर्म होने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वो हमारे पास दो पॉइंट हो या स्लोप पता हो और एक पॉइंट हो, लेकिन इन्होंने इक्वल इंटरसेप्ट दिया है ना। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है ये डिस्टेंस जो है वो ए है, ये हमने अगर लिया है तो ए कॉमा जीरो हो गई, ये कितनी हो जाएगी, जीरो कॉमा ये भी ए हो जाएगी, दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है ना। इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इन जो पॉइंट हमने लिए होंगे ए और बी, ये पॉइंट हो जाएंगे। दो पॉइंट दिए हुए हैं बेटा, दो पॉइंट से हम इक्वेशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, y माइनस से y1, इसको हम x1 y1 ले रहे हैं। ठीक है, y2 माइनस y1, ये एक माइनस जीरो हो गया। ठीक है, फिर x2 माइनस x1 और x माइनस से x1, क्योंकि इक्वेशन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू माइनस वन x माइनस ए आ गया, क्योंकि ये लाइन 2-3 से पास हो रही है, तो 2-3 से हम पास करा सकते हैं, यानी कि x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस